फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज जब पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है, क्योंकि देश की तस्वीर और तकदीर मोदी जी ने बदल के रख दिया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ गया, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, नक्सलवाद आतंकवाद उग्रवाद समाप्त, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग भी समाप्त, जो बैरियर थे, जो अवरुद्ध उनमें अवरोधक थे, उनको समाप्त करके भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य भी संपन्न हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ये सभी कार्य हुए। गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। पिछली सरकारों की दंगा और कर्फ्यू की नीति को समाप्त करते हुए हम लोगों ने कहा, नहीं दंगा नहीं, उत्तर प्रदेश कर्फ्यू के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश तो कावड़ यात्रा के लिए हर हर बम बम के नारों के साथ गुंजायमान होगा। और आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा कितनी शानदार और जानदार तरीके से यहां चलती है। लोग सोच ही नहीं पाते कि भाई इतने बड़ी संख्या में लोग कैसे चल रहे हैं। हमने कहा भाई देखो यही भारत है, उनकी आस्था का सम्मान करो, वह आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम करेगी। और यह जनता जनार्दन का यही आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपसे कहूंगा, भोला सिंह को आप 5 साल अपने यहां दौड़ाइए, ठीक बात है, लेकिन चुनाव के दौरान यह अपेक्षा करना कि वह घर घर जाए संभव नहीं होगा। चुनाव के दौरान आप में से हर व्यक्ति को मोदी जी बनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा, डॉक्टर भोला सिंह बनना पड़ेगा, और घर घर जाकर के हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो हर हाल में कमल के निशान पर वोट देने के लिए आपको सर्दी गर्मी बरसात जो भी हो इन सब की प्रवाह के बगैर कार्य करना है, और उस प्रवाह के साथ आप सबको जुड़ करके आगे बढ़ना है, और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज हम सब यहां पर आया हूं। चुनावी सभाओं के लिए अलग से आएंगे, लेकिन प्रबुद्ध जनों को पहले तैयार करने के लिए, क्योंकि समाज के ओपिनियन को आप लोग तैयार करते हैं, आपकी और राय पे चलता है। इस समय कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, सभी बातों से ऊपर उठ करके केवल देश के बारे में सोचना है, क्योंकि इस चुनावी समर में एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट है, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में वे लोग हैं जिनके लिए नेशन फर्स्ट है। एक तरफ जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं और उसके माध्यम से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अलायंस एनडीए के पास भी है, जो एक साथ सबका साथ और सबके विकास के लिए सोचता है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के लिए कोई परिवार नहीं, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही अपना परिवार है, इस भाव के साथ उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि जब ये आवाज पूरे देश के अंदर गूंज रही, तो देश की आवाज के साथ बुलंद सर की आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, सभी रिकॉर्ड टूटेगा क्यों? हमारे विधायक गण सहमत है ना, रिकॉर्ड टूटेगा ना, तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही मैं आपके बीच आया हूं।